मिक्स करके आधा कटोरी मूंग दाल मसूर दाल लिए हैं और आधा कटोरी चावल लिए हैं, बराबर का चावल लेते हैं। पकने के लिए देंगे हल्दी नमक हींग डाल के अभी पकने देंगे इसको। उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे, प्याज अदरक मिर्ची टमाटर डाल के घी में तड़का लगाएंगे। खिचड़ी बना रहे हैं, दाल खिचड़ी, चावल और दाल का, बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत जल्दी बनता है, एक सीटी में आपका बन जाएगा। इसमें अब जितना दाल चावल है उसके अंदाज से पानी डाल देंगे। अंदाज करते हैं कि इतना पानी हम डालें ऊपर, दाल चावल के ऊपर इतना पानी डालें कि अच्छे से पक जाए। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, और हींग हम पहले डाल देते हैं कि अच्छे से खिचड़ी में घुल जाएगा। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसको सिम करके एक सीटी तक पकने देंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें जीरा डालेंगे खिचड़ी को तड़का लगाने के लिए। तेज पत्ता, लौंग, इलायची, और इसमें प्याज अदरक मिर्ची जो काट के रखे हैं उसको डाल देंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर इसमें वो डालेंगे, टमाटर डालेंगे। प्याज हो गया है, इसमें टमाटर डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, टमाटर से डाल जाए। खिचड़ी में डबल नमक डाला हुआ है, खाली मसाले के लिए नमक डालेंगे। बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धनिया पत्ता काट रहे हैं तो गार्निश करने के लिए खिचड़ी में डालेंगे। देखिए तैयार हो गया है। इसको खिचड़ी में डाल देंगे। ये कितना अच्छा खिचड़ी बन गया है, दाल खिचड़ी। बीच में थोड़ा धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। आप भी बनाइए, खाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी टमाटर चटनी हम बॉईल करके बनाए हैं, पका के भी बनाए हैं, बैंगन का भरता भी पका के भून के गैस पर बनाए हैं। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, आगे और भी वीडियो है बना हुआ जिसमें आप देख सकते हैं।
किसी के साथ भी अच्छा लगता है, टमाटर का चटनी खिचड़ी के साथ।